Hello guys, we are going to learning about disjunctive normal form DNF. Okay, तो पिछले वीडियो में हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में क्या सीखे थे? कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म CNF सीखे थे. तो इस वीडियो में हम सीखेंगे DNF. ओके, तो CNF कैसे सॉल्व किए थे हम वो जानते हैं. अब DNF कैसे सॉल्व करते हैं वो भी हमें जानना है. ठीक है, तो DNF सॉल्व कैसे होगा, इस फॉर्मूला के ऊपर बेस करके DNF हम सॉल्व करेंगे. CNF भी सॉल्व होता है, DNF भी सॉल्व होता है इस फॉर्मूला को यूज़ करके. ठीक है, तो ये मेरी फर्स्ट एग्जांपल है आपके लिए. इसको हम DNF फॉर्म में लाएंगे. DNF फॉर्म मतलब CNF फॉर्म में क्या होता था, एंड जो है एंड ऑपरेटर वो बाहर रहता था और जो ऑपरेटर है वो अंदर में रहता था, राइट. और DNF फॉर्म में हम क्या करेंगे, और ऑपरेटर को बाहर रखेंगे और एंड को अंदर में रखेंगे. ठीक है, अच्छा, तो ये इसे कैसे सॉल्व करते हैं चलिए देखते हैं. ये क्या है, ये एंड है. और हमारी रिक्वायरमेंट क्या है DNF लाने के लिए, बाहर में और रहेंगे. ओके, चलिए करते हैं. तो ये जो है पी एरो क्यू, इसको हम फॉर्मूला में डाल सकते हैं, क्योंकि ये जो है पी एरो क्यू, ये देखिए इसका फॉर्मूला ये है. तो इसको चलिए फॉर्मूला में डाल देते हैं. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, तो देखिए अंदर में एंड बाहर में और, तो ये हमारा DNF फॉर्म में आ गया. तो यहाँ पर हम लिखेंगे विच इज रिक्वायर DNF. ओके, तो ये प्रूफ हो गया, तो ये सॉल्व हो गया यूजिंग DNF. ओके, अब हम नेक्स्ट सॉल्यूशन करेंगे. तो ये रहा हमारे नेक्स्ट सॉल्यूशन. नेक्स्ट सॉल्यूशन थोड़ा बड़ा है, लेकिन इसको सॉल्व हम करेंगे, DNF फॉर्म में हम लाएंगे. ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले हम इसको फॉर्मूला में डालेंगे. तो चलिए डालते हैं. ये हमारा P है और ये हमारा Q है. ओके, तो अगर इसको फॉर्मूला में डालेंगे तो क्या हो जाता है, ये कुछ ऐसा होता है, राइट. तो अब एरो कहाँ है, यहाँ पर है, तो इसको हम और एक बार फॉर्मूला में डाल सकते हैं. यहाँ पर और एक नेगेटिव होगा, ये पी है, ये पूरा क्यू है. ओके, पी और ये नॉर है, कट जाता है वो हम जानते हैं. और यहाँ पर क्या है, क्यू वी है, तो इसको हम ऐसे ही लिख लेते हैं. पी और ओके, okay.
ओके अच्छा, तो अब हम क्या करेंगे? अब आप देख सकते हैं कि हमारा बाहर में जो है वो सब और आ गया, अंदर में भी और आ गया, ठीक है। अंदर में जो भी हो, बाहर में हमारा और लाना है। अगर बाहर और आ गया तो वो डीएनए फॉर्म में चला जाता है। अंदर में और भी हो सकता है, एन भी हो सकता है, उसका कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हम बाहर जो है वो आपको और लाना है डीएनए फॉर्म में, और सीएनए फॉर्म में एन जो है वो आपको बाहर में लाना है, ठीक है। तो ये है हमारा डीएनए फॉर्म, विच इज रिक्वायर डीएनए प्रूफ, ओके। तो ये हो गया हमारा डीएनए फॉर्म, तो ये प्रूफ हो गया डीएनए। आप चाहे तो इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो ये हमारा पूरा डीएनए का पूरा ट्यूटोरियल है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में। आई होप दिस इज हेल्पफुल टू यू। अगर ये वीडियो आपको कुछ भी हेल्प करे तो प्लीज़ इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।